तो दोस्तों फाइनली एक थी बेगम का सीजन 2 रिलीज हो चुका है और जिसमें मेन लीड में नजर आई हैं अनुजा साठे। और दोस्तों इस सीजन को भी डायरेक्ट किया है सचिन दारेकर जी ने। वही दोस्तों इस सीजन के रिलीज होते ही इसे भी क्रिटिक्स के द्वारा बहुत ही ज्यादा पसंद किया जा रहा है और व्यूअर्स को यह वेब सीरीज भी काफी अच्छी लग रही है। जैसा कि इसका सीजन 1 था उससे भी बेहतर इसका सीजन 2 बना है। हालांकि सीजन 2 के रिलीज होते ही कई सारे सवाल फिर से खड़े हो जाते हैं और आप में से बहुत सारे व्यूअर्स मुझसे सवाल कर पूछ रहे हैं कि क्या इसका सीजन 3 बनेगा या नहीं, और अगर बनेगा तो इसकी स्टोरी क्या होगी और इसका सीजन 3 कब तक रिलीज होगा। तो दोस्तों आपके सारे सवालों के जवाब आपको आज के इस वीडियो में मिल जाएंगे, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको मेरी एक एडवाइस है, अगर आपने सीजन 1 और सीजन 2 नहीं देखा है एक थी बेगम का तो प्लीज आप इसे पहले जाकर देख लीजिए, इसके बाद ही हमारे वीडियो को देखिए क्योंकि इसमें कई सारे स्पॉइलर्स होने वाले हैं। तो प्लीज पहले आप उन सीजनों को देख लीजिए। तो दोस्तों आप वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं कि क्या इसका सीजन 3 आएगा। तो दोस्तों जैसा कि सीजन 2 में अशरफ यानी कि लीला पासवान को दाऊद के लोग मार देते हैं और उसकी मौत हो जाती है, इसी के साथ उसका ये सपना भी अधूरा रह जाता है कि वो मकसूद को मार सके, और इसी के साथ इस कहानी का एक इमोशनल एंड हो जाता है। लेकिन दोस्तों इस सीजन के खत्म होते ही सबसे बड़ा सवाल आ जाता है कि क्या इसका सीजन 3 आएगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसका सीजन 3 बिल्कुल नहीं आने वाला है, इसकी स्टोरी यहीं पर खत्म हो चुकी है। इसके साथ ही दोस्तों मैं आपको एक और नई खबर दे देता हूं कि एक थी बेगम के मेकर्स एक नई स्टोरी पर काम कर रहे हैं और जल्द ही इस बात की ऑफिशियली अनाउंसमेंट वो कर देंगे। दोस्तों ये कहानी एस एस एन जेडी की बुक माफिया किंग्स ऑफ मुंबई का एक पार्ट था और उस बुक में ऐसे कई सारे और पार्ट हैं जिन पर एक नई स्टोरी बन सकती है। हालांकि मेकर्स ने कहीं भी ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं किया है कि ये पार्ट उनकी बुक में से ही लिया गया है, लेकिन दोस्तों आपको बता दूं कि सपना दीदी का एक चैप्टर उस बुक में भी मिलता है। मुंबई में उस समय कई सारी माफिया क्वींस हुई थी जिसमें सपना दीदी के अलावा गंगूबाई काठियावाड़ी का भी नाम शामिल है, साथ में दोस्तों इसमें हसीना पारकर जैसी माफिया क्वींस का भी नाम शामिल है। उनके अलावा दोस्तों इसमें कई सारे ऐसे चैप्टर्स भी हैं जिनके बारे में आम लोग नहीं जानते हैं, जैसे कि सपना दीदी के बारे में आज से पहले आपने इतना नहीं जाना होगा। तो दोस्तों अब मेकर्स एक नई और फ्रेश कहानी को ढूंढने में लग गए हैं। जैसे ही मेकर्स इससे रिलेटेड कोई अनाउंसमेंट करते हैं मैं आपको एक स्पेशल वीडियो बनाकर बता दूंगा। वो दोस्तों बात करें कि एक थी बेगम का सीजन 3 वाकई रिलीज हो रहा है या नहीं, तो दोस्तों फिलहाल में तो इसके कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन अगर आएगा भी तो एक फ्रेश स्टोरी के साथ आएगा जो कि अगले साल के मिड जून या जुलाई के समथिंग रिलीज हो सकता है। तो दोस्तों आपका क्या कहना है सीजन 3 के बारे में कि क्या मेकर्स को सीजन 3 रिलीज करना चाहिए या नहीं, और अगर करना चाहिए तो आप इस वीडियो को लाइक करके बता सकते हैं और अपनी बात मेकर्स तक पहुंचा सकते हैं जिससे कि मेकर्स सीजन 3 जल्द से जल्द बनाए। वही दोस्तों अगर आप अनुजा साठे के फैन हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इससे रिलेटेड अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहें। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसी एक और एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।